यह कविता एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन द्वारा रचित है। वे इस कविता के द्वारा जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हमें सभी बुरी चीज़ों को त्याग कर नई अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए। वे हमें मार्गदर्शित करते हैं कि हमें झूठ, पुरानी दुखमय यादें, धीमे मरते उद्देश्य, चिंता, पाप, दरिद्रता व गरीबी, पुरानी कष्टमयी परंपराएं, लालच, उदासी, झूठा घमंड, शोक, गीत, बीमारियां, धन से लालच व हजारों सालों के युद्ध को छोड़ देना चाहिए। वह सच्चाई, मानव की भलाई, मधुर व्यवहार, जीवन की उच्च राह, युद्ध नियम, सही के प्रति प्रेम, अच्छे आशावादी गीत व संसार की कभी समाप्त न होने वाली शांति को ग्रहण करना चाहिए। वे अमीर व गरीब के बीच झगड़े के कारण को, उनके बीच के संघर्ष को बताते हैं। वे कहते हैं, अमीर व्यक्ति लालची होता है, वह सारा धन बटोर लेता है और उसी कारण गरीब व्यक्ति अभावग्रस्त हो जाता है। कवि सुझाव देता है कि हमें उच्च जीवन बिताना चाहिए, पुरानी आदतें व परंपराएं त्याग कर एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव से रहना चाहिए। हमें ऐसे नियम बनाना चाहिए जिससे लोग शुद्ध जीवन जी सकें। वे चाहते हैं कि हम उन कष्ट भरी यादों को हमेशा के लिए भूल जाएं जो हमें विचलित करती हैं। अंत में कवि हमें हजारों सालों के लिए शांति की कामना करने को कहता है।